स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद करना है निमोनिक से वो समझाऊंगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद करना है उनको समझाया था, तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये जो है थर्ड ग्रुप हुआ, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ये ट्वेल्थ ग्रुप में एलिमेंट हो गए, ठीक है। हम इसको यूँ भी याद कर सकते हैं, इसका सिंबल क्या है, एस सी है, इसका टी आई है, इसका सिंबल क्या है, वेनेडियम का वी है, क्रोमियम का सी आर है, मैंगनीज का एम एन है, और आयरन का एफ ई है, कोबाल्ट का सी ओ है, निकल का एन आई है, कॉपर का सी यू है, जिंक का जेड एन है, ठीक है। तो इसके तीन तरीके मैं बताता हूँ, एक तो ये है सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, जो मेन अल्फ़ाबेट्स हैं, सचिन का एस सी हो गया, तेंदुलकर का टी आ गया, वेनेडियम में वी आ गया, क्रोमियम का सी आर आ गया, मैंगनीज का एम एन आ गया, एफ का एफ ई का एफ आ गया, कोई, फिर कोई, ये कोई हिंदी वाला कोई, नई एन आ गया, आई भी ले सकते हो, सेंचुरी में सी यू आ गया, ठीक है, जमाएगा में जेड आ गया, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका हम ले सकते हैं शक ती वी कर मन फी को नी को जिन, फी को नी को जिन, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें भी अल्फ़ाबेट आ गया आपके, इसमें एस आ गया, इसमें टी आई आ गया, इसमें वी आ गया, इसमें सी आर भी आ गया, इसमें एम एम से ही, वैसे तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट से ही पहचान लेते हैं, एम आ गया, इसमें फी को नी को जिन, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको याद कर सकते हैं, ये सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड जो है इसके लिए कैसे हम कर सकते हैं, सुंदरी तू विवाह कर मुझसे, मुझसे फिर एफ आई आई ले लो, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ठीक है। इसमें कोई, यहाँ पे ये कोई हो गया, इसको मैं लाल पेन से लिख देता हूँ, कोई, ठीक है, नहीं कहेगा, कहेगा जानू, ठीक है, नहीं है, नहीं कोई नहीं, या कोई नहीं भी कह सकते हो। तो इसके अंदर जो जो अल्फ़ाबेट्स हम गा रहे हैं, इसका एस का ये एस आ गया, स्कैंडियम का एस आ गया, टाइटेनियम का टी आ गया, वेनेडियम का वी आ गया, क्रोमियम का सी आर भी देख सकते हैं, मैंगनीज का एम आ गया, आयरन का एफ आ गया, कोबाल्ट का सी ओ आ गया, निकल का एन आ गया, आई भी दे सकते हैं, कॉपर का सी आ गया, और जेड जिंक का जेड आ गया। तो इन तीन तरीकों में से जो आपको सिंपल लगे आप वो याद कर सकते हैं, ओके। इसको हटाता हूँ, फिर इसमें डी ब्लॉक में नेक्स्ट पीरियड को बात करते हैं। ये जो है थर्ड पीरियड वाले हैं, ये पीरियड थ्री था, पीरियड थ्री के एलिमेंट्स हैं, फोर्थ पीरियड की इसके बाद बात करता हूँ, इसको हटाता हूँ, ओके। स्टूडेंट्स, मैंने आपको याला जो ग्रुप याले पीरियड के एलिमेंट्स बताए थे, तो मैंने इसमें कहा था ये थर्ड पीरियड है ना, ये फोर्थ पीरियड है,
डी ब्लॉक का फर्स्ट शुरू होता है फोर्थ पीरियड में। ये फिफ्थ पीरियड के अब एलिमेंट्स के हम लोग निमोनिक्स बनाएंगे, कैसे याद करना है। इनके पहले सिंबल्स बना लेते हैं। इट्रियम का सिंबल वाई है, जिरकोनियम का जेड आर है, नायोबम का एन बी है, मॉलिब्डेनम का एम ओ है, टेक्नीशियम का टी सी है, रुदीनियम का आर यू है, रोडियम का आर एच है, पैलेडियम का पी ए है और पैलेडियम का पी डी है, पैलेडियम पी ए होगा, सॉरी, सिल्वर का ए जी होगा और कैडमियम का सी डी होगा। ठीक है, अब जब हमने ये सब सिंबल बना लिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पैलेडियम का पी डी होना चाहिए, सॉरी पी ए नहीं पी डी। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इनके नाम कैसे बनाएंगे। यारी इसका है, यारी ज़रा निभाना, मौत तक, ये हिंदी में मौत तक, रुकावटें वटें, राह में, राह में पड़ेगी आगे चढ़कर, आगे चढ़कर। ठीक है, तो जो जो एलिमेंट हमें ध्यान में आ रहा है, इससे यारी से वाई आ जाएगा याद, ज़रा में जेड आर आ गया, जेड से याद आ जाएगा ज़रा, जिरकोनियम, और निभाना में नायोबियम में याद आ जाएगा, मौत में एम ओ आई याद आ जाएगा, टेक्नीशियम तक में टेक्नीशियम याद आ जाएगा, रुकावटें रुकावटें ई एन है वटें रुकावटें, तो आर यू आ जाएगा रुकावटों में, राह में आर एच आ जाएगा राह में, पड़ेंगी पी आ जाएगा यहाँ पे डी बी है, आगे में ए जी आ गया और चढ़कर में सी डी आ गया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यारी ज़रा निभाना, मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेंगी आगे चढ़कर। ठीक है, तो इस तरह से ये फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक वाले हैं, थर्ड ग्रुप से लेके ट्वेल्थ ग्रुप तक के हम याद कर सकते हैं। ओके, इसको हटाते हैं, अब सिक्स्थ पीरियड वालों के देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फिफ्थ सिक्स्थ पीरियड की बात करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये थर्ड ग्रुप का, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इस तरह से ट्वेल्थ ग्रुप तक हैं। इसका लैंथनम का सिंबल एल ए है, हैफनियम का एच एफ है, टेंटुलम का टी ए है और टंगस्टन का डब्ल्यू है, वॉलफ्रेम होता है। ठीक है, याद रखना है। ये रीनियम का आर एच है और ऑस्मियम का ओ एस है, इरिडियम का आई आर है, प्लेटिनम का पी टी है, गोल्ड का ए यू होता है, याद रखना है, और मर्करी का एच जी, हाइड्रागायरम, ये ऑरियम, ये डब्ल्यू जो है वॉलफ्रेम। ठीक है, अब इसमें जो हम लोगों ने निमोनिक बनाई है, ला हफ्ता हफ्ता वरना रे उस इरिडियम रॉड से पिटाई और होगी, ये याला वर्ण, इसको ला हिंदी में भी लिखते हैं ला हफ हफ ता वरना रे उस इरेडियम रॉड से पिटाई और होगी। ठीक है, तो इसमें सिंबल जो जो यूज हो गए, ला हफ्ता ताम ये आ गया, वरना रे उस इरेडियम रॉड से पिटाई पी टी और होगी में एच जी। ठीक है, इस तरह से इनको हम याद कर लेते हैं, ला हफ्ता वरना रे
उस रेडियम रॉड से पिटाई और होगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, ला हफ्ता रे, ला हफ्ता वरना रे, उस इरेडियम रॉड से पिटाई और होगी। ठीक है, रे ला हफ्ता रे, इसमें रीनियम में आपका सिंबल आर ही होगा, आर एच नहीं, रोडियम का होता है तो ये आर ही होगा सिंबल। तो ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे, आर ही आ गया, उस इरेडियम रॉड से पिटाई और होगी। तो ये लेंथनम, हैफनियम, टेंटुलम, ये टंगस्टन है, रीनियम, ऑस्मियम, इरेडियम, प्लेटिनम। ठीक है, इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं, ला हफ्ता वरना रे, उस इरेडियम रॉड से पिटाई और होगी। इसको हटाते हैं, अब लास्ट वाला इसका देख। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ने सिक्स पीरियड तक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कर लिए थे, अब सेवन्थ पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्गियम, बोरियम, हैसियम, मेट्रिनेनियम, डार्मस्टेडियम, रोइंटिजम एंड कुपरनिकियम, कुपरनिशियम। ठीक है, तो अब इनके सिंबल हैं ए सी, आर एफ, डी बी, एस जी, बी एच, एच एस, एम टी, डी एस, आर जी एंड सी एन। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, अकेले आर डी शर्मा, आर डी शर्मा बहुत फेमस राइटर है मैथ्स के, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस को कवर करते हैं ना, अकेले आर डी शर्मा की बुक्स हैं मैथ्स के डिफ़िकल्ट रेंज कौन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें मेन मेन जो हम यूज़ कर सकते हैं, ए से ये अकेले में आ गया, रदरफोर्डियम का आर आ जाएगा, डबनियम का डी आ गया, सीबोर्गियम का एस आ गया, बोरियम का बी आ गया, हैसियम का एच आ गया, मैथ्स का एम और टी भी है वैसे, और डिफ़िकल्ट सवाल भी लिख सकते हो, डिफ़िकल्ट सवाल, तो ये डी आ गया, एस भी ले सकते हो, डी से ये याद हो जाएगा, रेंज में आर आ गया, जी भी आ रहा है, और कोन में सी एन आ गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, अकेले आर डी शर्मा की बुक्स हैं मैथ्स के डिफ़िकल्ट सवाल रेंज कौन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बना सकते हैं अपने निमोनिक्स, तो इनसे याद करना आसान हो सकता है। इन निमोनिक्स को और आप बेटर भी कर सकते हो, कुछ आपको लगे और बेटर इससे कर सकते हो, जो आपके लिए और सिंपल हो और याद करना आसान हो, तो वो भी बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इसमें डी ब्लॉक के सारे जितने भी पीरियड्स थे सारे कवर कर लिए हैं। इसके पहले जो वीडियो बनाई है उसमें एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे किए थे, एक वीडियो और मैं बनाऊंगा उसमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए निमोनिक्स याद करने की ट्रिक्स बनाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट्स सो मच।